हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इटफो डिजिटल क्लासरूम। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद कलीग्स। आज हम 9th कंप्यूटर साइंस को स्टार्ट करते हैं, जो कि नया कोर्स हम फॉलो करेंगे 2020-21 के लिए। फर्स्ट लेक्चर हमारा है फर्स्ट चैप्टर के लिए, इसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आज के लेक्चर में आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मसला करने के जो मराहिल हैं कौन कौन से हैं, और जिनमें डिफाइनिंग ए इसमें प्रॉब्लम, हम अंडरस्टैंडिंग ए स्टडी प्रॉब्लम, करेंगे प्लानिंग ए प्रॉब्लम सॉल्यूशन, होता क्या है, डिफाइनिंग ए कैंडिडेट सॉल्यूशन एंड मसला सेलेक्टिंग होता द क्या है, बेस्ट वन। मसला हल यानी कि करने मसले के का हम सबसे पहले पढ़ेंगे तायिन क्या होता मराहिल है, कौन मसले कौन को से हैं, समझना, मसले के हल की मनसूबाबंदी करना, मसले के और हल की वाज़ह वजाहत करना, आज के लेक्चर में हम और उनमें से इसके जो 6 मराहिल हैं वो हम मसले करेंगे। के हल के वाज़ह फर्स्ट वजाहत जितने भी थे उनमें से एक बेहतरीन ऑफ को जो है ऑल वो सबसे सेलेक्ट पहले करना। है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, मसले का तायिन। दूसरा है मसला हल करने के जो स्टेप हैं उसे मसला की वजाहत, अंडरस्टैंडिंग ए प्रॉब्लम। फिर उसके बाद हम प्लानिंग द सॉल्यूशन के मसले के लिए, और डेफिनेशन, डिफाइनिंग ए कैंडिडेट सॉल्यूशन, सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट है, अब इसका पहला हम देखते हैं कि डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम के मसला की वजाहत के लिए जो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मसले की वजाहत से मुराद कि मसला है क्या, उसके लिए यानी कि मसले को समझने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो हमारा बैकग्राउंड नॉलेज कि उस मसले का जो रिलेटेड मटेरियल्स है, हिस्ट्री है, उसके मुतलक पस मंज़र है, उसका वो हम हासिल करें ज़्यादा से ज़्यादा। फिर हम यूज़ गैस भी इस्तेमाल कर सकते हैं मसले की वजाहत के लिए, अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए। फिर हम उस मसले को वजाहत करने के लिए कोई उसकी पिक्चर भी ड्रा कर सकते हैं, ताकि उसके अगर कोई इसमें कोई कमी पेशी है तो वह हम उसको कर सकें। मसले का तयन, डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम, एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम वो होता है उसको हम कह सकते हैं जिसके अंदर कोई एम्बिगिटी ना हो। यानी कि मसले की स्टेटमेंट जब हम दी जाती है, मसला एक लाइन में या एक पैरे की शक्ल में या एक मेंशन होता है, एक्सप्लेन होता है, डिस्क्राइब्ड होता है, तो उसको अगर वो अच्छे वर्डिंग में है, क्लियर है, उसमें कुछ एम्बिगुटी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यार ये जो मसला की जो वर्डिंग है वो बहुत इजी है बयान करदा, ये जो मसला है इसमें कोई अभाव मौजूद नहीं है। फिर एक मसले के तयन करते वक्त हमें बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि उसकी जितनी भी कंडीशंस हैं वो क्लियरली मेंशन हों, जो जिस चीज़ की जरूरत उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, और दूसरा उसके लिए क्लियर गोल्स होने चाहिए कि इस मसले को हल करने के बाद हमें क्या आउटपुट मिलेगी। फिर मसला जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो, सॉल्वेबल हो। अब मसला हल करने के मराहिल का जो सेकंड मरला है, जो सेकंड स्टेप है, वह एक मसले को समझना। मसले को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अब मसला, पहली बात तो ये कि मसला समझना क्यों ज़रूरी है। अगर हम मसले को अच्छे तरीके से नहीं जानते, उसको हम नहीं समझते, तो फिर उस मसले का सोल्यूशन भी हमारे लिए निकालना, सोल्यूशन उसका हल करना फाइंड करना बहुत टफ होता है। शायद हम प्रॉपर सोल्यूशन ना निकाल सकें जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं आउटपुट के लिए। इसके लिए 5 W's की ज़रूरत पड़ती है हमें मसले की शिनाख्त के लिए। वाट,
कि मसला है क्या, जो उसकी स्टेटमेंट है, हु कौन करेगा, वाई, हम इस मसले का हल क्यों चाह रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, व्हेन, कब, कितना इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है, एक हफ़्ता है, एक दिन का टाइम दिया गया है या एक मंथ का दिया गया है, जो भी उसकी टाइम लाइन दी हुई है उनके टाइम डोमेन की बात, और लास्ट पे है वेयर, कहाँ पर इस मसले का सोल्यूशन हमें मिलेगा। अब एक मसले को समझने के लिए ये जो पांच चीज़ों की हमने ज़िक्र किया, अगर हम इसको समराइज़ करें मसले को समझने के लिए, तो हम पहले भी जानते हैं कि प्रॉब्लम हमें जो दिया जाता है उसका हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं। एनालिसिस का मतलब ही यही है कि मसले को अच्छे तरीके से उसकी जांच पड़ताल, उसको डिफाइन करना, उसको समझना, उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखना, उसकी प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट्स को देखना, उसकी आउटपुट देखना कि उसके लिए हमें क्या आउटपुट चाहिए। थर्ड स्टेप है इसका मसले के हल की, जो वजाहत की हम स्टेप्स पढ़ रहे थे, मसले हल करने के जो मराहिल हैं, एक मसले की मनसूबा साजी, मनसूबा बंदी कह लें, मनसूबा साजी कह लें, इस स्टेज पे आके हम कोई एक हिकमत अमली तैयार करते हैं, एक लायमल तैयार करते हैं मसले के हल करने के लिए। और दूसरा इसका हमें ख्याल रखना पड़ता है कि कौन सी हिकमत अमली जो है ना वो हमें इस मसले के सोल्यूशन के लिए जो है वो हमने अप्लाई करनी है, क्योंकि जो इसकी स्ट्रेटजीज़ हैं वो एक से ज़्यादा हो सकती हैं, एक से ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए से हल हो सकता है। डिवाइड एंड कंकर है, यानी कि मसले को तकसीम करो छोटे प्रॉब्लम्स में, सब प्रॉब्लम्स में, फिर आप उनका सोल्यूशन निकालें, फिर एंड पे ख़ुद ब खुद ही उसका जो सम अप करेंगे तो कलेक्टिवली ओवरऑल हमारा जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन सामने आ जाएगा। फिर दूसरी स्ट्रेटजी गैस, चेक एंड इम्प्रूव, कि अंदाज़ा लगाना किसी चीज़ को, चेक करना, जांच पड़ताल करना और फिर उसमें इम्प्रूवमेंट ला दिया, ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है, तकरारी काम है, बार बार करने वाला काम है। तीसरी स्ट्रेटजी है एक्ट इट आउट, क्या आप उस मसले की जो मनसूबा साजी कर रहे हैं आप उसको एक एक तरतीब वार मराहल में लिख लें, जिसको हम कहते हैं टू डू लिस्ट। जैसे हम कोई चीज़ बाज़ार से शॉपिंग करने जाते हैं तो हम उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं जिसको हम टू डू लिस्ट कहते हैं, कि पहला मैं काम ये करूँगा, देन ये करूँगा, तीसरा स्टेप ये करूँगा, फोर्थ वगैरह वगैरह, तो ये टेक्निक भी यूज़ होती है। और फोर्थ है टेक्निक प्रोटोटाइपिंग, जिसको हम मॉडल भी कह सकते हैं, कोई नमूना बना लें उसका, मनसूबे का। फोर्थ है डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन, कैंडिडेट सोल्यूशन मींस के जो कि एक कितने उसकी उस मसले के हल के लिए कितने सोल्यूशंस अवेलेबल हैं, कितने तरीक़ों से हम उसको हल कर सकते हैं। ये हर बंदे की अपनी थिंकिंग है, ये स्पॉन्टेनियस होता है, अचानक से आपको एक आ सकती है जहन में कि यार ऐसे भी ये सोल्यूशन हो सकता है, इसको हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, इसको हम इस एंगल से भी हल कर सकते हैं। तो ये एक अनप्लान्ड और स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी है और इससे सिर्फ हमारा टाइम बचता है, और ये कैंडिडेट सॉल्यूशन के ज़रिए जो सॉल्यूशन निकलता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्चुअल सॉल्यूशन हो। सेलेक्टिंग द बेस्ट वन सॉल्यूशन, कि बेहतरीन हल का इंतखाब करना, कि अवेलेबल आपके पास कैंडिडेट फॉर एग्जांपल पांच सॉल्यूशंस हैं तो उसमें से जो बेस्ट है वो आपने सेलेक्ट करना है। तो इस मसले पर जो है ना काफ़ी सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, मोर देन वन हो सकते हैं, तो उसमें से जो है ना बेस्ट को सेलेक्ट करना, जिसके लिए क्राइटेरिया यही होता है कि टाइम कम लगे, कॉस्ट कम से कम आए, तो वो ही हमारा बेस्ट सोल्यूशन होगा। दैट्स इट, ये हमारा आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने पढ़ा प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए कौन कौन से मराहल हैं, हमने तरतीब के साथ एक एक को डिस्कस किया। और डियर आप इसको जो है वो हमारे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि हमारी जो है ना वो मैक्सिमम लोगों तक इसका जो बेनिफिट्स है वो पहुँच सके। थैंक यू।